शिमला जिले के रामपुर स्थित 200 बिस्तर वाला महात्मा गांधी चिकित्सक सेवा परिसर खनेरी में 2 कोरोना के पॉजिटिव मामले आए हैं। इसके बाद खनेरी अस्पताल में हड़कंप सा मचा हुआ है। दोनों कोरोना मरीज आईडीबीपी के जवान हैं। एक जवान 7 अगस्त को खनेरी में भर्ती हुआ था, जबकि दूसरा जवान रविवार को चिकित्सालय में भर्ती हुआ। उसे बुखार की शिकायत थी। एक जवान का आज हार्निया का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन से पहले जांच किया तो वह कोरोना पॉजिटिव निकला। घटना के तुरंत बाद पूरे चिकित्सालय परिसर को सैनिटाइज किया गया। सर्जिकल वार्ड को सील कर दिया गया। सर्जिकल वार्ड में करीब 15 मरीज हैं। इसके अलावा उनके तीमारदार जिन्हें बाहर निकालने की इजाजत नहीं है। सर्जिकल वार्ड के 5 नर्सों और सर्जन चिकित्सक को आइसोलेट कर दिया गया है। खंड चिकित्सा का अधिकारी डॉक्टर आर के नेगी ने बताया कि दोनों कोरोना पॉजिटिव जवानों को शिमला भेज दिया है। पूरे सर्जिकल वार्ड को सील कर दिया गया है। सर्जरी के चिकित्सक समेत 5 नर्सों को भी आइसोलेट किया गया। आज उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा, जिसमें से एक जवान का ऑपरेशन होना था तथा दूसरा बुखार की शिकायत को लेकर एडमिट था। दोनों जवानों के जब कोरोना टेस्ट हुए तो दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों को खनेरी से कोविड केयर सेंटर भेजने में जुट गया। चिकित्सालय कर्मी कांता ने बताया कि सर्जिकल वार्ड सील है। जो मरीज और तीमारदार ऊपर सर्जिकल वार्ड में है, उन्हें बाहर निकालने नहीं दिया जा रहा है और न ही बाहर से ऊपर वार्ड में कोई जा रहा है। यहाँ भी जो है 2 मरीज जो है कोरोना वाले आए, तो ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले नीचे, ऊपर यहाँ से ऊपर को नहीं छोड़ रहे हैं। वार्ड में ऊपर नहीं जा सकते? नहीं।